देव में सामुदायिक किचन की हुई जांच। जी हां, खबर बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर कोई परिवार भूखा न रहे, इसको लेकर पिछले कई सप्ताह से चल रहे सामुदायिक किचन से देव के स्थानीय 50 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यह सामुदायिक किचन राज्य सरकार के आदेश पर चलाया जा रहा है। इस किचन के माध्यम से आसपास के वैसे लोगों को भोजन कराया जाता है जो भोजन के अभाव में सामुदायिक रसोई तक पहुंचाते हैं। सामुदायिक रसोई में अनियमितता की शिकार पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश पर आज जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी डॉक्टर फतेह फियाज ने सामुदायिक किचन का औचक निरीक्षण कर शिकायत के मामलों की जाँच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि देव में जो सामुदायिक किचन है वह सही ढंग से नहीं चल रही है। खाना का गुणवत्ता एवं जो गरीब तबके के लोग हैं उसे खाना नहीं मिल रहा है। इस दौरान सीओ नहीं कर रहते हैं। शिकायत के आलोक में जब जांच की गई तो शिकायत सही पाया गया। जिस समय भोजन वितरण किया जाता है उसका कोई समय सारणी नहीं लगाया गया कि कब से कब तक भोजन यहाँ मिल सकेगा। साथ ही सामुदायिक किचन तक पहुंचने वाले सभी लोगों को भोजन बैठकर खिलाना है जिससे वह आराम से भोजन कर सके, लेकिन यहां बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी को ये शिकायत मिली है कि देव में जो सामुदायिक किचन है वह सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, न समय दिया हुआ है, जो सही हकदार है उसको खाना नहीं मिल रहा है, दूसरा के खाना का क्वालिटी ठीक नहीं है, सीओ साहब नहीं रहते हैं, तो इसलिए डीएम साहब के निर्देश में हमने औचक निरीक्षण किया। उसमें पाया कि जो शिकायत है किसी हद तक वो सही ही है। क्या करना है कोई ये नहीं है, लोगों को बैठा कर खाना देना था, क्या समय है तो लोगों को पता हो कि किस वक्त आए किस वक्त आए, उसका पता ही नहीं है, तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस तरह से निर्धारित समय क्या है सर? निर्धारित समय ये बता रहे हैं कि 11 से हमारा एक है, लेकिन जब 11 से एक है तो वो तो जो सामुदायिक किचन का जो एक बोर्ड है उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि लोग को पता हो कि भाई 11 से एक हमको भोजन मिलेगा, हम सौ समय आके खाना खा लें, तो बोर्ड ही नहीं है इनका। तो आम लोगों को जो आदमी सही में भूखा है या जो है उसको क्या पता भाई, ये 12 बजे बांट के चले जाते हैं, ये खाना पूरी कर रहे हैं सही से नहीं कर रहे हैं, इसका व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। यही जिला पदाधिकारी महोदय को हम रिपोर्ट भी करें। प्रतिदिन कितना लोगों का खाना वितरण करना है? उसमें कोई ये नहीं है, जितने लोग उस लायक होंगे वो कभी 100 भी हो, उसका कोई संख्या का लिमिट नहीं है। जितने लोग अगर उस योग्य होंगे कि भाई उनको भोजन नहीं मिल रहा है भुखमरी के कगार पर है, सारे लोगों को भोजन देना है, पर्पस उसका यही है, कोई संख्या उसका निर्धारित नहीं है। ये 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 40 पर, तो आवश्यकता के हिसाब से। आज हमारे पास आ जाएगा कि भाई ज़्यादा आदमी के भाई हमको मजदूरी नहीं मिला है, लॉकडाउन के में है, भूखे हैं, तो उसको खाना देना, तो ये हमारा कर्मी पदाधिकारी रहेगा तब ना लोग उनसे आगे बात करेंगे। ये पॉकेट बांट के एक घंटा में निकल गए, खाना पूरी कर दिया, दो चार का फोटो खींच कर भेज दिया, काम हो गया, ऐसा कुछ थोड़ी चलता है सरकार का काम। चलिए, थैंक यू।